डारे पिलाग लगा खड़ंजा लगाओ रे लगाओ उल्टा सीधा तो उसे ला बुला के उसके पांच जोते मारूंगा अभी मैं दारू पिला और रोड पे से मिट्टी ले गई सब खड्डे बना दिए घोड़े की मिट्टी सब डाल दे रोड पे और सारी ईंट पीरा लगी इसमें कोई खड़ंजा नहीं। अच्छा 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 आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं? खड़ंजे का। खड़ंजे का? खड़ंजा क्या क्या समस्या है इसमें? सब सारा खड़ंजा गलत लगा हुआ इसमें। खड़ंजा गलत लगा हुआ है, पीरा ईंट लगी हुई है, वो भी खड्डा खोद दे रहता है रास्ता में से। पत्थर में लिखा हुआ है कार्य का नाम दोतपुर नहर से सुंदरपुर की पुलिया तक खड़ंजा निर्माण, इसके बीच की दूरी का हवाला नहीं खोला गया है और ना ही कितनी लागत से खड़ंजा निर्माण का कार्य कराया गया है उस लागत को भी नहीं दर्शाया गया है पत्थर पर। नहर यहाँ से काफ़ी दूर है, हम जैसे कि आपको दिखाते हैं नहर कितनी दूर है, वहाँ पर डंबर रोड बिछा हुआ है नहर से जाने से पहले पड़ती हुई नहर वो भी दिखा देते हैं जहाँ पर डंबर रोड बिछा हुआ है जहाँ से ज्वाइंट है ये डंबर रोड है और हुआ नहर वहाँ पर है और इधर दिखाइए जे कुंतार रोड है डंबर रोड जे कुंतार डंबर रोड है और वहाँ से दिखा रहे हैं जबकि वो पुलिया बता रहे हैं सुंदरपुर की और जो इन लोगों का कहना है कि सुंदरपुर पुलिया तक को नहीं बिछा रहा है रोड, ऐसी बात है सुंदरपुर पुलिया तक बिछ रहा है रोड ना? और जो बोर्ड में दिखा रहे हैं वो कैसा है लिखा हुआ? बोर्ड में तो सुंदरपुर पुलिया है और जबकि सुंदरपुर तक नहीं बिछ रहा। अरे जी आगे तक गो है बस इतना ही बिछा है। इसको देखो जो देखिए भाई साहब बता रहे हैं जो पीला ईंट लगा गई है खड़ंजा के जगह पे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जो कैसा खड़ंजा बिछा है? खराब बिछा साहब। तो आपने उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया जब खड़ंजा बिछ रहा था? कहा थे मानी नहीं उसने। मानी नहीं? ना भी नहीं। कोई यही आया कोई देखने? ना 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 जय आए निरीक्षण करने के लिए। बताइए इस तरीका से निर्माण हो गया खड़ंजा बिछ गया सारे काम हो गए उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी या ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे देखने भी नहीं आया कि किस तरीका से गांव में प्रधान तक नहीं आया यहाँ। लाला राम जी ये बताइए जो खड़ंजा जी आपके गाँव का बिछा है ये कैसा बिछा है? ये तो गलत है। गलत है जी? एक तो तरीका से गलत है, एक तो बिगड़ा बिछा हुआ है बहुत ठीक है और फिर इसमें मतलब ऊंचा नीचा है। लेबल ना निकाली है? लेबल नहीं निकाली है और पास में मट्टी भी नहीं डाली है उसके किनारे पे और बीच में भी मट्टी नहीं, बहुत कम मट्टी पड़ी और इसमें हाँ सेकंड हैंड है दोम भी इसमें ईट है और खड़ंजा पीछे कई दिन हो गए? हो गए दो तीन दिन हो गए ब्लॉक प्रमुख से बीडीसी के माध्यम से आया क्षेत्र पंचायत। हाँ क्षेत्र पंचायत से आया है। बहुत रोका पूरे दिन लगे थे उन्होंने पटरी वो खोद रहे थे उन्होंने पटरी खोद दी है उन्होंने हमने की खेत खा लिया है खेत में से मट्टी निकाल लो नहीं खेत में से मट्टी निकाल पाओ भाई पटरी मत खोदो हमारा जो रोड है मेन रोड है और उसको ना था यहाँ पे या बिछाने भी रहने दो मतलब ये खड़ंजा लगाओ तो रोड मत जो कच्चा रोड है वो मत खोदो। अच्छा कोई अधिकारी निरीक्षण करने आया जब उस टाइम? ना कोई नहीं आया। अपने प्रधान जी से हमने स्वयं घर पे गए उनसे हमने ये कहा प्रधान जी थोड़ा खड़ंजा मतलब उसको ना होता है बिगड़ा लग रहा है बिगड़ा चोर लग रहा है और मट्टी चाहे डलवा दो खेत में से मट्टी डलवा दो चाहे अपने माध्यम डलवा दो इसकी जो पटरी है मतलब जी वो भी हुई ऐसा ही जी। चलिए तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं जो खड़ंजा जो कुछ है उसकी जो पटरी तो बनी जाए और उसको मट्टी पड़ जाए बस ये चाहते हैं मट्टी पड़ जाए और जो मतलब ये तो ये दिन को हाई नहीं मतलब खड़ंजा भैया इस पे हाँ सभी लोग चलेंगे जो थोड़े दिन के बाद उखड़ जाएगा कोई ट्रैक्टर ट्राली वालों कोई पटेल वालों को सब उखेड़ ले जाए ये कि रुखड़ी ना सब आपस में इधर उधर फेंक देंगे लोग। आपके जो यहाँ ठेकेदार थे जो उसकी लेबर थी सब लेबर पिलाता था दारू यहाँ पे जो ये ठेकेदार था पिलाता था दारू पिला के तो जेल लगवाता था दारू पिलाकर। हाँ तो उसे ला बुला के उसके पांच जोते मारूंगा अभी मैं दारू पिलाता था गांव में से ला तो आपने उस टाइम क्यों नहीं विरोध किया जब? अरे दादा यार दारू पिला के लगा खड़ंजा लगाओ रे लगाओ उल्टा सीधा। मेरा नाम आकाश है। कहाँ रहने वाले हैं? यही ग्राम लोहरपुरी से। अच्छा इन्होंने जो मतलब मिट्टी उठाई है वो इन्हें पर्याप्त मात्रा में से इन्होंने कहाँ से उठाई इस चीज को देखिए आप यहाँ आके देखिए ये जरूरी नहीं होता है कि रोड से ही मिट्टी उठाई जाए और ना ही किसी खेत बंदे ने मना किया था कि हमें मिट्टी नहीं उठाने देंगे
देखो इधर इस चीज की वीडियो बनाइए आप, इसे देखिए कि ये रोड है या खेत है, ये कहाँ जाएगा, दूसरा वाहन बचेगा तो ये कहाँ जाएगा, आप इसको बताइए। देखिए कितनी दूरी पे खेत है, खेत की भी दूरी नाप लीजिए, मतलब उसका कितना है। ये 1.5 मीटर पटरी ही बांधी जाती है, पटरी से जस्ट मिट्टी उठाई गई ऐसे में, और जो रोड बेकार हो गया है और आए दिन गाड़ियां पलटेंगी। उस साइड पे देखिए, उस साइड पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, उस साइड पे भी आप देख सकते हैं, उधर भी इन्होंने मिट्टी उठाई है, वो किस टाइप से उठाई है बिल्कुल। अगर कोई दूसरा वाहन आएगा तो सिंगल आदमी भी नहीं बच पाएगा कहीं दूसरी जगह उतरने के लिए, तो इसके इसके लिए जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, और इसमें आप देखिए इसका स्पेस देखिए कितना ये कितना गैप है, इस चीज को देखिए इस चीज को आप इसका दिखाइए, वो आप अभी देखिए ये खड़ंजा लगा हुआ है, ये कैसा लगा हुआ है, देखिए ये तो अलग हो गई ना, ये तो ऐसे लागत के बारे में जानकारी, कोई अधिकारी आया था इन पर, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर, तो आप लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया जिस टाइम ठेकेदार बना। कल हमने फोन किया था बिलाग प्रमुख के पास, उनने कहा वीडियो मंगवाई थी, उनके वीडियो भेज दी उनके पास, कोई विचार नहीं हुआ, कोई समस्या कोई आई नहीं यहाँ पे। अच्छा, 2 मिनट लगाई गई पीला, हाँ पूरी ईंट दोम लगी पूरी खड़ी से, होगा बड़े खेत में से उठाते, पूरे खेत खाली पड़े हैं और रोड पे से उठा के डाली गई, ये भी तोड़ गए, ये लगाई उसमें खरंजाम लगाई ये तोड़ के। अच्छा, जो निर्माणधीन पुलिया क्यों तोड़ी गई, तो ये इनकी ठेकेदार लोगों ने कमी है, समस्या जो खरंजा बिछाया, समस्या जी है कि ये रोड वहाँ से आया था नहर से और तक जो है रोड जो पूरा, अब जो यहाँ इस चौराहे पे आधा बना इतनी से बनी जरा सनी नहीं लगा, आप देखिए ऊंचल बंजर है ना, कभी जो रोड बराबर किया गया कुछ नहीं, ऐसे उल्टा सीधा बिछा के चले गए, आप देखिए आप देखिए बताइए वो ठेकेदार ने क्या करा, देखिए आप पर देखिए पहले आप देख पहले आप, उसने अपने खाना पूर्ति करी सारी सब जितनी इतनी इतनी दूरी पे लगाई ईंटें, हाँ और उल्टी क्या कह रहा है, मेरी 1500 ईंटें मेरी चोरी हो गई यहाँ से, क्योंकि ट्राली में ही 1500 पीछे से चोरी करके पीछे ट्राली से ही ईंटें कम लेके आए वहाँ से, हाँ जे संगमरे और क्या हेतराम इसी गांव रहने वाले, हाँ जो घर है, कौन सा गांव है आपका, लोरपुरी फुला है, लोरपुरी। जे खरंजा कैसा बिछा, ये टूट ना जाए जा पता, उल्टो सीधो बिछेगो, कैसा खरंजा बिछना चाहिए था, अब उससे थोड़ी ना है, अरे कैसा बिछना चाहिए था आपके हिसाब से, कत चुस्त बिछनो चाहिए, मट्टी पड़नो चाहिए, मट्टी तक ढंकी ना डाली, मट्टी भी नहीं पड़ी है, ऐसे ही बना के चले गए, हाँ देखिए देखो घूरो महीने खुदवाओ, 10 महीने मिर्चा महीने खुदवाओ, देखो जी बताइए पहले। अच्छा अच्छा, तो आप पटरी उटरी बनी इसकी नहीं, ना कुछ नहीं बना, ना आप क्या नाम है, घासीराम यादव जी, ये बताइए आप कहाँ रहने वाले हैं, नबदिया टोंडरपुर के, नबदिया टोंड ग्राम पंचायत आपकी यही लगती है, यही है हरिपुर फ्लेयर आपकी ही ग्राम पंचायत है। अच्छा, ये जो सड़क का जो निर्माण हुआ है कौन सी निधि से हुआ है, ये जो है क्षेत्र पंचायत से है, क्षेत्र पंचायत से, आप इधर कैमरा तरफ देख के बोलिए, अच्छा क्षेत्र पंचायत से हुआ, कितनी लागत से जो बनाया जा रहा है कुछ जानकारी है आपके लिए, लागत बारे में कोई जानकारी यहाँ नहीं है, जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी कोई जानकारी खुली नहीं है, अच्छा जी, जो खरंजा जो ईंट लगाई जा रही है वो बाकी में खरंजा है, सही ईंट है या गलत है? वो खरंजा नहीं, वो घटिया क्वालिटी की ईंट लगी हुई है, घटिया क्वालिटी। अच्छा, जो खरंजा बिछाया गया वो क्या सही बिछाया गया, नहीं सही नहीं बिछा, ऊबड़ खाबड़ बिछा हुआ, वो तो फोटो डाल देख लीजिए, हम जो जा रहे खरंजा जो है अच्छा बिछे, और जहाँ तो लिखा है इसमें सुंदर पुरिया था वहाँ तक बिछे, वहाँ तक बिछे। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने हाथ उठाए विरोध किया, हाँ, और जो है साइड की पटरी वो भी बंद है, साइड पटरी बनना चाहिए। क्या नाम है, मेरा नाम धर्मपाल, सड़क की क्या समस्या, सड़क की समस्या सर ये ट्राली अगर डल्लम निकलेगा, इससे बड़े हमारा कच्चा जो रास्ता था वो सही था ना, इस खरंजे से अच्छा कच्चा रास्ता था ताकि बराबर तो था चलने फिरने में, अब तो जो 8 फीट का रास्ता रह गया, इसके जगह होनी चाहिए 12 फीट जगह, तो इसके बराबर खरंजा लगना चाहिए, और खरंजा भी लगा मतलब उल्टा सीधा लगा है, अच्छा अच्छा उल्टा सीधा लगा हुआ, और जो इनने डिमांड क्या कर रखी है कि मतलब नहर से लगा के और सुंदरपुर की पुलिया तक लगा हुआ, कहाँ से घर से पुलिया तक बस, अच्छा अच्छा अब तो ये लगा लिया, ईंट कैसी लगी है, ईंट सर बेकार ही लगी है ना,
अच्छा ये और बिछा हुआ हिल रहा है ना इसका। अच्छा हिल रहा और ये ईट सही से बिछी हुई है? सही बिछी भी नहीं है सर, सही बिछी तो बात की होती। पटरी भी है लेकिन पटरी बांधी नहीं ना। पटरी है मौके पर बांधी नहीं, बांधी नहीं है। अच्छा मिट्टी उट्टी इसके ऊपर कैसी पड़ी है? मिट्टी भी पड़ी नहीं है सर, पूरा खरंजा बच्चे लोग चल रहे तब भी गिर जा रहे हैं इस पे सर। पैर रख रहे हैं, पैर से भी गिर जा रहे हैं ना लोग। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम सर ये चाह रहे मतलब हमारी मजबूती साहब सही बन जाए ना अच्छी तरीके से। अच्छा बस हमें इतना चाहिए, बाकी नहीं चाहिए सर। अब तुम देखिए कि मतलब दिखाओ ईंट है जो हिल रही, बच्चे लोग गिर जा रहे हैं और चोट पोट लग जा रही। तीसरा दिन हुआ सर, तीसरा दिन है और खरंजे की हालत जो देख लियो, एक बरसात नहीं झल पाएगा। बरसात नहीं सर, जो रुकेगा ही नहीं, मतलब खत्म हो जाएगा ना सर, खत्म हो जाएगा। 10-12 फीट होना चाहिए सर, खरंजा इतना 7 फीट है मात्र सर, डल्लब भी नहीं निकल पाएगा। बताओ ट्रैक्टर है क्या? बहुत दूर की बात है सर। घोरे की मिट्टी डाल ली है ना, ताकि उन्हें मिट्टी भी डाली तो इसलिए घोरे की मिट्टी उठा के डाल दिया कि वहाँ से लोग निकलेंगे मोड़ से, तो वहाँ से बंदे कैसे निकलेंगे? अगर ट्रैक्टर निकलेगा तो सर ट्रैक्टर पलट जाएगा, निकल जाएगा ना। आपको देख रहे हैं, अगर इधर से कोई कोई साथ निकले तो सागे ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे निकलेगी ना। इससे बच्चे लोग गिर रहे हैं, चोट फोट भी लग रहेगी, तो क्या फायदा है खरंजे से? अब ये लगा लीजिए। क्या नाम था ठेकेदार का? मको मको है संजय। हाँ आज डाल रहे कल डाल रहे, आज डाल रहे कल डाल रहे, आखिर चलो। हमारे कहने का मतलब ये है इस खरंजे से बढ़िया हमारा कच्चा जो रास्ता बना हुआ था नरेगा का, हाँ, वो बढ़िया था, ताकि लेवल था, ताकि उसे बच्चे भी नहीं गिरते और जो ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली जो भी निकलता वाहन वो आराम से निकल जाती, निकल जा रही थी। लेकिन अब तो ट्रैक्टर ट्राली का मतलब कोई बंदा नहीं निकल पाएगा इससे सही। बच्चे निकल रहे, बच्चे भी गिर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बच जाएगा, इससे क्या लाभ है हमारे लगाने से? चलिए चलिए ठीक है। जैसा कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि ठेकेदार द्वारा खरंजा निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी की गई है, इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने हाथ उठाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी कोई खबर के साथ में। जब तक के लिए मैं मनोज कुमार अपने सहयोगी CN यादव के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।